अक्सर हमें नोडल ऑफिसर से क्वेरी पूछते हैं कि किसी सब्सक्राइबर का एक से अधिक प्लान जनरेट हो गए हैं, तो उस स्थिति में ये रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? प्रतीक, एनपीएस में प्लान यूनिक एंड पोर्टेबल होता है। कोई भी सब्सक्राइबर अगर एम्प्लॉयमेंट चेंज कर रहा है, किसी भी स्थिति में उसे दूसरे प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। किसी कारणवश ऐसा हो कि उस सब्सक्राइबर के पास मोर देन वन प्लान हो जाता है, वैसी स्थिति में नोडल ऑफिस को उन प्लान के डिटेल्स सीआरए को भेजना होता है और उन्हें मेंशन करना होता है किस प्लान को उन्हें कंटिन्यू करना है। सीआरए उनके उस सब्सक्राइबर का एडिशनल प्लान को डीएक्टिवेट करता है और उसमें अगर कोई कॉर्पस है, अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो उस पैसे को निकाल करके उनके दूसरे प्लान में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी कोई सब्सक्राइबर जिसके पास स्वावलंबन अकाउंट है और उसने कोई गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिस स्वावलंबन अकाउंट में एनपीएस रेगुलर का पैसा जमा नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना नया अकाउंट प्राप्त करता है। नोडल ऑफिस वो डिटेल्स को सीआरए को भेज सकता है, उससे सब्सक्राइबर के पुराने अकाउंट का पैसा, स्वावलंबन का पैसा एनपीएस रेगुलर में ट्रांसफ़र करके उनके स्वावलंबन अकाउंट को क्लोज कर देता है।